हेलो फ्रेंड्स, हम सभी एक ऐसी यात्रा में हैं जो जीवन भर लगातार रहने वाली है, और वह है सफलता की यात्रा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करना सफलता है। यह लक्ष्य बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन हमारे जीवन की सार्थकता इससे जुड़ी है। यही है जो हमें बताती है कि वास्तव में हम जीवित हैं। वास्तव में हमें हर क्षण कुछ न कुछ प्राप्त करना है जिससे हमारा जीवन सार्थक हो, समृद्ध हो। कुछ प्राप्त करना ही सफलता है। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में सफल होना चाहता है तो बिजनेसमैन बिजनेस में, प्लेयर अपने खेल में सफल होना चाहता है तो एक कलाकार अपनी कला में। इंसान अपने लक्ष्य की तरफ है, पर कई बार वह असफल हो जाता है, जिसके कई कारण होते हैं। कई बार हम मान लेते हैं कि हम उस कार्य को करने में सफल नहीं हो सकते, लेकिन मैं एक बात बता दूँ, यदि हम अपनी पूरी जीवन की ऊर्जा को उस लक्ष्य की तरफ झोंक दें तो वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो हमें चाहिए। तो कमी हमारे स्वयं में है। ज़्यादातर यही कारण है, यदि हमें ये लगने लगे कि लक्ष्य प्राप्त के बिना मैं कुछ नहीं, और वो हमारे मन और जीवन को उथल पुथल करने लगे, तब हमें वो लक्ष्य किसी भी कीमत पर हासिल करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। हमें हर क्षण वही लक्ष्य दिखता है, सपने में भी। बस यही स्थिति हमें सफलता की ओर ले जाने वाली होती है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ जो आपको ये बता देगी कि आप अपने कार्य में सफल होंगे कि नहीं। एक बार की बात है, जब यूनान के महान दार्शनिक सुकरात अपने शिष्यों और कुछ लोगों के बीच में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे। जब यह चर्चा समाप्त हुई तो एक युवक आया और बोला, कृपया हमें बताएं सफलता प्राप्त करने का रहस्य क्या है। सुकरात ने उसे ध्यान से देखा। वह युवक कुछ परेशान था। सुकरात ने उसे दूसरे दिन मिलने को बोला। अगले दिन वह युवक सुकरात से मिलने गया। आखिर उसे अपने प्रश्न का उत्तर जानना था। सुकरात उसे लेकर नदी के किनारे पहुँचे। युवक को उन्होंने बोला, शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, तुम नदी में मेरे साथ आगे बढ़ते चलो। युवक आश्चर्य में था, लेकिन उसे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था, सो वह अभी आगे बढ़ता गया। दोनों नदी की गहराई में आगे बढ़ते गए। घुटनों तक पानी, फिर कमर तक पानी आ गया। और आगे बढ़े तो नदी की गहराई ज़्यादा थी, दोनों के गले तक पानी आ गया। अब सुकरात ने उसका सिर पकड़कर उसे पानी में डुबा दिया। युवक पानी में डूबने लगा और अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन सुकरात कद काठी के मजबूत थे। उन्होंने उसे पानी के ऊपर आने नहीं दिया, पानी में डुबोए रखा। युवक की जान पर आ गई, वह छटपटाने लगा, वह और संघर्ष करने लगा। अब सुकरात को लग गया कि अगर कुछ देर और पानी के अंदर रहा तो मर जाएगा। उन्होंने उसे छोड़ दिया और युवक तुरंत ही अपना सिर पानी के ऊपर किया। वह हाँफने लगा था। अब सुकरात ने उसे पूछा, तुम ठीक हो ना? उसने हाँ में जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम क्या सोच रहे थे और तब तुम्हें क्या चाहिए था? युवक बोला, जब मैं पानी के अंदर था तब ये सोच रहा था कि किस तरह सांस ले लूँ, मैं क्या करूँ कि मुझे सांस लेने को मिल जाए, इसलिए मैं पानी के ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। मुझे बस उस समय सांस चाहिए थी और कुछ नहीं। सुकरात ने कहा, यही है सफलता का रहस्य। जो चीज़ चाहिए उसके लिए तुम कितने बेचैन हो, उस लक्ष्य के प्रति तुम्हारे जीवन में कितनी छटपटाहट है, तुमने पानी से बाहर निकलने के लिए क्या कुछ नहीं किया, एक सांस को पाने के लिए अपने जीवन का पूरा संघर्ष झोंक दिया, यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। तो देखा आपने, सफलता अपने बारे में आपसे क्या चाहती है। उसे आधे अधूरे मन स्थिति से हम कभी भी नहीं पा सकते, चाहे उस काम को आप सैकड़ों वर्ष करें। यदि आप नाप तौल कर अपना संघर्ष कर रहे हैं तो भी आप सफलता भूल जाइए, लेकिन यदि आप उस लक्ष्य के प्रति ऐसा हो जाए कि बस हमें ये प्राप्त करना ही है, उसके बिना मुझे आराम नहीं, तो आप देखेंगे आप असीमित संघर्ष करेंगे सीमित समय में, और आपको फिर सफलता से कोई रोक न सकेगा। तो यही है वो पहली शर्त सफलता के लिए। तो आप भी लग जाइए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए। अच्छी सूझबूझ और असीमित संघर्ष के साथ आप अवश्य सफल होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जीवन के कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।